हाय, मैं जौहरी लीवर, आपका दोस्त। आपने बहुत प्यार दिया इतने सालों से। आपने इस बाबूलाल को प्यार किया, इस जुदाई का वो अब्बा डब्बा जब्बा अब्बा डब्बा जब्बा। अरे तेरे अब्बा ने ये डब्बा थमा के जब मैं तेरे अब्बा का जब्बा फाड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब्बा डब्बा, मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, ये सब चीज़ें आपने बहुत एंजॉय किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप मुझे देख रहे हैं सितारे टीवी पर। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस सितारे टीवी को एंजॉय करते रहिए, हमेशा इस चैनल देखते रहिए। बहुत ख़तरनाक चैनल है, बेहतरीन चैनल है, और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। सितारे टीवी के सुनने वालों को जागृति का प्यार भरा नमस्कार। एंड व्हाट अ मोमेंट टू शेयर द स्क्रीन विद। कुछ यादें हैं मरते तक रहेगी साथ में, उसमें से ये ऐसी याद हैं जो कैमरा में कैद हो रही है मेरे साथ, द वन एंड ओनली जॉनी लीवर साहब। एंड मोर ओवर आइसिंग टू द केक इज आई हैव बोथ फादर एंड डॉटर। डॉटर इज इक्वली टैलेंटेड, शी इज विद मी। जॉनी भाई बे एरिया में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। सवाल ही नहीं पैदा होता सैन फ्रांसिस्को वहाँ के अच्छा ना लगे। एंड जिमी, हाउ इज इट यू परफॉर्मिंग इन यूएस विद फादर, बिकॉज यू परफॉर्म इन इंडिया पहले, लेकिन यहाँ अमेरिका में फादर के साथ स्टेज शेयर करना कैसे लगता है? बहुत अच्छा। आई मीन वी हैव बीन डूइंग दिस शो, लाइक वी हैव डन लाइक 100+ शोज, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्राउड फील होता है जब यू नो दे अप्लॉड फॉर हिम, एंड देन ही फील्स प्राउड व्हेन दे अप्लॉड फॉर मी। इन दीज टू ईयर्स, यहाँ दो साल में हमने 100 से ज़्यादा शोज़ किए। और अमेरिका में, यहाँ पर स्टेट्स में और कैनेडा में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है। पीपल हैव गिवन मी सो मच लव एंड दे वेलकम्ड मी, सच अ वार्म वेलकम दे हैव गिवन मी, सो आई रियली लाइक्ड इट। जॉनी साहब, अगर आप चाहें तो जवाब ना दें, लेकिन शी सो यंग प्रिटी, और जब बहुत यंग अच्छे हैंडसम दिखने वाले लड़के जब ताली बजाते हैं और उसको अपलोड करते हैं, एक फादर का दिल इनसिक्योर होता है, ऐसा लगता है बस बेटी अब जाएगी कभी भी? ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत ही क्या बोलते हैं, नेचुरल चीज़ों में बिलीव करता हूँ। और हाँ, जो है वो है, और जो होना चाहिए होगा, और इसके साथ जो भी होता अच्छा लगता हमको। क्या बात है। जॉनी साहब, आपके आइडियल कॉमेडियन कौन रहे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किशोर कुमार का जब जमाना था वो हीरो थे, बट कॉमेडी काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनी उनके लिए। फिर एक दौर आया जॉनी वॉकर साहब का, फिर आया महमूद साहब, बीच में राजेंद्र नाथ जी। तो भारतीय फिल्म जगत ने बहुत बेहतरीन कॉमेडी दी, और आई एम श्योर यू मस्ट हैव फॉलोड सम। अगर आपको चांस मिलता, किसके साथ आप एक्टिंग करना चाहते हैं, और आपके आइडियल कौन रहे? मैं किशोर कुमार जी और महमूद साहब ज़्यादातर, बाकी तो जॉनी वॉकर साहब भी थे, बाकी सभी कलाकार कॉमेडियंस वगैरह सभी अच्छे, जगदीप साहब, राजेंद्र नाथ जी, मगर किशोर कुमार जी, महमूद साहब, इन दोनों के गानों पर मैं डांस किया करता था, उनकी नकलें करता था, उनके डायलॉग बोलता था, तो उनसे ज़्यादा मैं मुतासर था। जॉनी भाई, कॉमेडी का पूरा टेक्सचर बदल गया है सालों से। पहले ज़्यादा करके स्टैंड आपकी क्रिकेट वाली, जैसे मैं कह चुकी हूँ मुझे कॉमेडी बहुत पसंद थी, फिर आपकी वो गुंडा मेलोडीज़, वो एक ज़माना था जो बहुत पसंद थी, फिर बाद में मिमिक्री आई, और आपको भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। इनफैक्ट आई कैन से सम पीपल आर कार्बन कॉपीज ऑफ यू व्हेन दे परफॉर्म। तो ये कॉमेडी जिस तरह से दौर बदला, और आज के डेट में आप तो ट्विटर पर आ गए, अभी मैंने देखा आपको बहुत सारे फिल्म वालों ने वेलकम बोला है, दिस ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेज टू वेब पॉइंट टू ये जो सोशल मीडिया मार्केट है, आपने कैसे अपने देख रहे हैं, कैसे अडेप्ट किया आपने आपको, लाइक ये दौर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो होता कि काम सिखाता है, वक्त के साथ इंसान सीखता चला जाता है। अभी हमारे बच्चे भी है जी, जैमी है, मेरा बेटा जस्सी है, ये बोले डैडी आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये हो, ये अब ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो मैं भी जागा हूँ ना, हाँ क्या चल रहा है, ये चलो तो करते हैं। तो ये जो है ना, आप वक्त के साथ सीखते जाते हैं, और वही ना ऑब्जर्वेशन, जिस दिन आपने सीखना बंद किया तो आपको ब्रेक लग जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो वो इसी, यही वजह है कि आप, वो क्या है, आपको जगा के रखता है। You're always current. हाँ, आप जागे रहते हैं, और जागा रहना बहुत ज़रूरी है कलाकार के लिए ना, वो हमेशा जगे रहना चाहिए, जागता हुआ अच्छा लगता है। क्या बात। हाँ, तो भी इसी से आदमी सीखता है और इन्जॉय कर रहे हैं। जिमी, मैं आपको एक सीक्रेट क्वेश्चन पूछती हूँ। कभी कभी कुछ गलती होती है तो पीछे जाके घर आ तुझे बताता हूँ मैंने ना बोला था, ऐसा कभी डायलॉग कभी एक्सचेंज होता है? एक्चुअली माय फादर इज़ अ परफेक्शनिस्ट, तो वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस, और मतलब बहुत ही गिव्स हिज हार्ट एंड सोल। तो जब मैंने भी इस लाइन को चुना था, तब उन्होंने
मुझे पहले ही वॉर्न कर दिया था कि यू इफ यू आर डूइंग इट देन यू बेटर बी द बेस्ट एट इट, वरना मत करना. तो डांट पड़ती रहती है बीच बीच में, ऐसा ऐसा कुछ नहीं. टेबल पे भी होती है? हाँ हाँ, हर जगह. सो इट्स गुड बट इट्स नीडेड. मैं ऐसे ही सीखती हूँ और आई जस्ट होप टू गेट बेटर एंड बेटर. क्या हाँ वही मैं अभी बोलने ही वाली थी, खिलाड़ी का या तो बाबूलाल का या कोई भी डायलॉग हो जाए. जब आप बड़े हो जाते हैं, मतलब उम्र हो जाती है, तो आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे आपका साथ देते हैं, तो मैं मेरा डायलॉग मेरी बेटी से सुनवाऊंगा. क्या बात है. मेरे छोटे छोटे बच्चे, वाह मैं गरीब आदमी, वाह मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे को कुछ नहीं मालूम. Oh my God, that was hilarious. जॉनी भाई, एक हटके क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. एक दौर था जब कॉमेडियंस, महमूद साहब, ऐसे होता था कि हीरो इंटरमीडिएट होते थे, उनके रोल इतने बड़े बड़े होते थे कि काट दिए जाते थे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द कॉमेडियन वर्क, जिसे आप जैसे लोग टिके रहे, बहुत सारे लोग गुम हो गए, अपने आप को हैंडल नहीं कर पाए. व्हाट यू वांट टू टेल पीपल, हाउ डू यू मैनेज दोज पीपल, हाउ यू गोइंग टू सपोर्ट दोज पीपल हु आर नो मोर इन द इंडस्ट्री, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है, गुमनामी के अंधेरों में चले गए. व्हाट यू वांट टू टेल टू पीपल लिसनिंग टू यू और फिल्म इंडस्ट्री, क्या किया जाए उनके लिए? नहीं, उनके लिए क्या है, देखो हमारी एसोसिएशन है, वो मदद भी करती है. और फिर कुछ लोग क्या है कि देखिए, मैंने कहा ना, आपको हमेशा अलर्ट रहना है, सोते नहीं रहना चाहिए जी. तो अब ऐसा नहीं कि वो जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वो सो रहे होंगे, ऐसी बात नहीं. लेकिन देखो नसीब भी होता है, देखिए आर्ट, टैलेंट और नसीब दोनों एक साथ चलना चाहिए. और यहाँ पर क्या है कि समय बदलता रहता है, लोग नए नए आते रहते हैं, नए चाहिए. कोई हीरो एंड तक नहीं टिकेगा, है ना, कोई टिका नहीं रहेगा. तो नए नए आने चाहिए, कॉमेडियन भी नए नए आने चाहिए, आते रहते हैं. तो अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता है, समझे कि नहीं. लेकिन हमारी एसोसिएशन है, उनकी हेल्प करती है. और वो आज हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, टेलीविज़न है, और टेलीविज़न में इतने सारे काम हैं, बहुत से फिल्म वाले इधर काम मिल जाता है उनको, स्टेज पे करते हैं, प्लेस करते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगे हुए हैं. वो इंडस्ट्री छोड़ के जाएगा नहीं, और प्रोडक्शन में घुस जाएंगे, कभी क्या करेंगे. और फिर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, और ऑडियंस में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहने वालों को ढूंढ के आते हैं, वो कहाँ हैं भाई, अरे आई वॉन्ट टू मीट हिम, उनका ये प्रॉब्लम है, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ. ऐसे भी है, ये तो छोटी सी दुनिया है, ऊपर वाला कहीं ना कहीं से रास्ता बना देता है. लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई गो, हमारे सितारे टीवी के सुनने वालों को, एक्चुअली आपको पूरी यूएस में देखेंगे क्योंकि दिस इज एयर ऑल ओवर द यूएस, उनको क्या कहना चाहेंगे जॉनी लीवर? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे लोगों का, चाहने वालों का इतना शुक्रगुजार हूँ कि इतने सालों से उन्होंने मुझे प्यार दिया है. आज भी हम बाहर मिलते हैं एयरपोर्ट पर, इधर लोग मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं. यहाँ यूएसए में भी आया तो इतना प्यार से प्यार दिया लोगों ने. कल भी रात को मैं देख रही थी. हाँ, यस यस, मिलने के लिए. तो बस यही प्यार को अपने दिल में रखिएगा, और मेरा ये वादा है जब तक हूँ नई नई बातें, नई नई चीज़ें दूंगा, और जितना मेरे अंदर है जो मुझसे आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा दूंगा, कम नहीं दूंगा. So this was Johnny Lever and Jimmy Lever with me. What an occasion for me to share the screen and the place, and I'm truly honored. और जॉनी भाई, ऐसे मुस्कुराते रहिए और हम आपके साथ मुस्कुराते रहे, क्योंकि थोड़ा सेल्फिश विश मांग रही हूँ. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. एंड जेमी, आई वॉन्ट टू सी यू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो बिगर एंड बिगर, नॉट इन द साइज, मेरे जैसे नहीं.